गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। दोस्तों मैं श्रीकांत डिजिटल गुरुकुल में आप लोग सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने अभी तक का अपडेटेड जो है झारखंड का करंट अफेयर्स लेके आया हूं। ये जो है स्पेशली डिजाइन किया गया है जो झारखंड SSC 2017 आने वाला एग्जाम है और JPSC के लिए। तो दोस्तों जो इसकी तैयारी कर रहे हैं इसे अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों ये मैं बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों को डिटेल न्यूज चाहिए झारखंड के करंट अफेयर्स की, वो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूं या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जरूर से जरूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल पे भी जरूर आप लोग बताइए ताकि आने वाले वीडियो जो होंगे वो लोग आप लोग जरूर से जरूर देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर, जो कि आपके आने वाले जो एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ही जरूरी है। जो CNT और SPA एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को निरस्त करने पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, कैबिनेट ने जो झारखंड की कैबिनेट ने प्रस्ताव ने पारित कर दिया है, इसमें CNT और SPA एक्ट में प्रस्तावित संशोधन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यू है सबसे ज्यादा वो है रांची कॉलेज जो होगा, रांची विश्वविद्यालय रांची कॉलेज अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पुराना कॉलेज है झारखंड का रांची कॉलेज, अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर देखते हैं, जो है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है 2017 हुआ, जो 16 से 17 फरवरी 2017 के बीच में हुआ। इसमें टोटल 219 कंपनियों ने सहभागिता की और MOU साइन किया गया। इसमें टोटल 3.10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU साइन किया गया। झारखंड का यह पहला मौका था, झारखंड में फर्स्ट टाइम जब हुआ था जब ये इन्वेस्टर मीट हुआ। आप लोगों को डिटेल अगर देखना है तो मैंने वीडियो अपलोड किया है जो झारखंड के करंट अफेयर्स को लेके, ये मैं हेडलाइंस ऑनली बताते जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो। डिटेल देखना है तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, उसे आप लोग जरूर देखें। नेक्स्ट जो है झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2017 पूर्ण हुआ, ठीक है, 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण पूर्ण हुआ। ठीक है, झारखंड का विकास दर 8.5% मापी गई जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 6.8% मापी गई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है सरकारी विभाग अब होंगे पेपरलेस। झारखंड सरकार ने 2018 में जो है सारे सरकारी विभाग को पेपरलेस करने का फैसला किया है। इससे पहले जो अरुणाचल प्रदेश जो है पेपरलेस स्टेट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है डेयरी को भी अब मिलेगा कृषि का दर्जा। झारखंड सरकार ने 27 जनवरी 2017 को अब डेयरी के जो डेयरी फार्म है उन्हें भी अब कृषि का दर्जा देने का फैसला ले लिया है। ठीक है, इससे डेयरी विभाग जो है उन्हें बहुत फायदा पहुंचेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है IB के नए चीफ जो होंगे झारखंड कैडर के हैं। IB के नए चीफ आप लोगों को पता है कौन है, राजीव जैन जो है IB के नए चीफ डायरेक्टर बने हैं, वो झारखंड कैडर के बिहार कैडर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब झारखंड बेखुदी बियर जो है, सॉरी ये बेखुदी गलती हो गया, झारखंड के खुदिया बियर योजना का ऑनलाइन शिलान्यास। झारखंड ने 18 दिसंबर 2016 को जो है झारखंड ने खुदिया बियर को अब क्या किया है कि ऑनलाइन करने का प्रस्ताव ले लिया है। इसके बाद झारखंड में धनबाद रीजन के जो होंगे वहाँ पे खुदिया बियर को ऑनलाइन शिलान्यास करने का फैसला हमारे मुख्यमंत्री जो है उन्होंने लिया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है झारखंड को मिलेगा 3,533 करोड़ रुपये। ठीक है, अब झारखंड को DMF के अंतर्गत, DMF आप लोगों को पता होगा दोस्तों, DMF के अंतर्गत 3,533 करोड़ रुपए मिलेंगे। DMF है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, इसके अंतर्गत जो है झारखंड के कोल माइनिंग जितनी माइनिंग की जाती है इसके अंतर्गत झारखंड के डेवलपमेंट के लिए 3,533 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है जमशेदपुर के मुक्केबाज सरिता को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि जमशेदपुर की जो मुक्केबाज है, ठीक है, जिसका नाम सरिका कुमारी है, इन्हें उत्तराखंड के हरिद्वार में संपन्न में प्रथम एथलेटिक महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यू है 62वें नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में वैष्णवी ने जीता कांस्य पदक। ठीक है दोस्तों, गुजरात के राजकोट में चल रही जो है नेशनल चैंपियनशिप जो चल रही थी उसमें 62वें स्कूल नेशनल चैंपियनशिप में वैष्णवी ने जो है कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात ही नहीं अब होंगे CM की बात भी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे हैं उनकी जो मन की बात प्रोग्राम चलता था, ठीक है, अब हमारे जो है CM जो है रघुवर दास उन्होंने भी मन की बात शुरू की है। रांची से ये ब्रॉडकास्ट होगा और सभी जो है मन की बात सुन पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है, इसके द्वारा जो है रघुवर दास हमारे बाकी नागरिक जो है उनसे भी बात कर पाएंगे।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है हाईकोर्ट के आदेश पर झारखंड में 17,900 शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी गई है। ठीक है, 17,900 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी इससे पहले उसे रद्द कर दी गई है झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, झारखंड के सीएम ने कहा 2.20 लाख घर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। ये नया फैसला लिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा कि अब 2.20 लाख जो है आवास बनाए जाएंगे हमारे झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं झारखंड के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट की और क्या क्या अपॉइंटमेंट नई नियुक्तियां की गई झारखंड सरकार के द्वारा। तो पहले इम्पोर्टेंट नियुक्तियां जो झारखंड सरकार के द्वारा की गई है वो है के विद्यासागर, जो ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर थे, अब ये लोकसेवा अध्यक्ष आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। ठीक है, झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष मतलब जेपीएससी के नए अध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? के विद्यासागर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो है ए के पांडे जो होंगे अब प्रदूषण नियंत्रण परिषद के नए अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो सुधीर कुमार त्रिपाठी जी है। ठीक है, सुधीर कुमार त्रिपाठी जो है आईएएस सुधीर कुमार त्रिपाठी जी को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण एवं अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ रजत सेट्टी जी का, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने चीफ सलाहकार में से अब जो है रजत सेट्टी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री हमारे जो हैं उनके सलाहकार में रजत सेट्टी भी होंगे। चलिए नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की ओर देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट अवार्ड जो है 2017 में मिला। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें, आप लोग नोट करते जाइए और मेरी वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए। अगर डिटेल आप लोगों को सारी चीज़ें देखनी है तो आगे भी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर उसे फॉलो कीजिए और देखिए दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट अवार्ड जो है पद्मश्री पुरस्कार 2017 का है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पुरस्कार जो मिला है ये मुकुंद नायक जी को मिला है। झारखंड के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार मुकुंद नायक को वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो पुरस्कार मिला है वो बलवीर दल जी को मिला है। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार जो बलवीर दत्त को भी 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो है बिरसा मुंडा अकादमी अवार्ड जो है, ये बिरसा मुंडा अकादमी अवार्ड जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और खेल मंत्री जो सुदेश महतो ने दिया। ठीक है, वो सिली में ये नेशनल अवार्ड जो दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये इंदिरा गांधी NNS अवार्ड। ठीक है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चतरा जिले के जो गौधौर निवासी प्रशांत कुमार को ये इंदिरा गांधी NNS अवार्ड मिला। ये जो है BIT मेसरा के पास आउट स्टूडेंट है और ये मैं बता दूं कि ये देश के पहले नागरिक हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है, NNS अवार्ड मिला है। नेक्स्ट जो है वीरता पुरस्कार 2017। वीरता पुरस्कार 2017 की बात करें तो पहला वीरता पुरस्कार जो है राष्ट्रीय पुलिस पदक जो है उन्हें प्राप्त हुआ, वो किसे प्राप्त हुआ? पुलिस निरीक्षक जो है अनिमेश कुमार जी को ये प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार वीरता के लिए प्राप्त हुआ? वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक अवार्ड प्राप्त हुआ, वो जमशेदपुर जिले के हैं। ठीक है, सॉरी जमशेदपुर के हैं। नेक्स्ट जो अवार्ड है पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा के लिए पदक दिए गए, ये दिया गया अनुप टी मैथ्यू जी को मिला है। वो क्या है? SSP है जमशेदपुर के। नेक्स्ट जो वीरता पुरस्कार मिला है वो वीरता के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री पुरस्कार वीरता के लिए मिला है 2017 का, वो मिला है मोहम्मद आशी जो है SP है ग्रामीण जमशेदपुर के, और सिपाही सुबोध कुमार को जमशेदपुर के लिए मिला है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इम्पोर्टेंट अवार्ड है। तो दोस्तों ये थी कुछ हेडलाइंस जो है 2017 के और इम्पोर्टेंट JSSC और JPSC के लिए। दोस्तों अगर डिटेल आप लोगों को सारी देखनी है और भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया है तो जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिए और आप लोग अपडेटेड रहिए और आने वाली जो है उसे सफलता प्राप्त कीजिए। और दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जरूर से जरूर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ही हमें नए वीडियो देने के लिए इंस्पिरेशन देता है और नई शक्ति प्रदान करता है और आपका प्यार जो है शो करता है। तो दोस्तों मैं जरूर से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जरूर नोटिफिकेशन बेल पे दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अच्छे से मेहनत कीजिए, मैं अपनी आपकी सफलता का कामना करूंगा। कीप वॉचिंग विद अस। थैंक यू।